देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। कश्मीर हमारा, पूरे का पूरा हमारा, ना कोई शक ना किसी शक की गुंजाइश। यही वो बात है जिसे पाकिस्तान समझना नहीं चाहता और अमेरिका के समझ में नहीं आ रहा। तभी तो भारत ने अपने तेवर से साफ कर दिया है कि उसे कश्मीर पर किसी और के ज्ञान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जब हाल में मुलाकात हुई थी तो पाकिस्तानी प्रमुख ने कश्मीर का रोना ट्रंप के आगे रोया और किसी बच्चे को चुप कराने की तरह ट्रंप ने भी उन्हें मदद कर सकेंगे तो करेंगे कहकर एक झुनझुना थमा दिया। अब इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत ने दो टूक जवाब दे दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कश्मीर मुद्दे और उसकी मध्यस्थता को लेकर स्टैंड पूरी तरह से स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि वो एक बार फिर से दोहराते हैं कि इस मामले में किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका की जरूरत नहीं है। आवर पोजीशन ऑन द कश्मीर इशू एंड यू नो अबाउट थर्ड पार्टी मीडिएशन हैज बीन वेरी क्लियर एंड कंसिस्टेंट। लेट मी हाउएवर वंस अगेन रीइटरेट दैट देयर इज नो role for any third party in this matter. If at all there are any bilateral issues between India and Pakistan that needs to be discussed, it should be done between the two countries under the provisions of Shimla Agreement and Lahore Declaration. But again, as we have said in the past, that the onus is on Pakistan to create such conducive conditions, you know, which is free of from terror, hostility and violence and which could also lead to some meaningful engagement between the two countries. दोनों देश अपने बीच के मुद्दे कैसे सुलझा सकते हैं? इस सवाल के जवाब में रवीश कुमार ने कहा कि गेंद पाकिस्तान के पाले में है, उसे आतंकवाद खत्म करना होगा और शांति का माहौल बनाना होगा। अब इसकी उम्मीद तो कम से कम पाकिस्तान से की जानी ही बेईमानी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति को भी ये बात समझनी होगी कि जब भारत किसी दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, जब वो अमेरिका को बेवजह के ज्ञान नहीं देता, तो फिर उसे भी भारत के मामलों में हाथ डालने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।